मायसेल्फ गिरिराजप्रसाद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको पार्ट 7 सातवां भाग आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसे बहुत सारे यूजेज हैं। इनके सारे यूजेज को विभिन्न टुकड़ों में डिवाइड करके मैंने आपको वीडियो बनाकर भेजने का प्रयास किया। देखिए, यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ में ही जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विषय रीड लेवल 2 लैंग्वेज 2 इंग्लिश में सिलेबस में जुड़ा हुआ है, इसलिए वो विद्यार्थी भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिन भैयाओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए, पिछले वीडियो में लास्ट मैंने बताया था कि जब किसी प्लूरल नाउन का यूज कलेक्टिव यूनिट की तरह करते हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब अगला आता है अपना ट्वेंटी 3, मोर देन। देखो, इसमें अगला बिंदु आता है मोर देन के बाद। मोर देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमको प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये मोर देन के साथ, मोर देन के साथ यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, जैसे मेनी के साथ था, मोस्ट के साथ था, अब किसके साथ? मोर देन के साथ आ रहा है। किस प्रकार से वर्ब का यूज करते हैं? तो मोर देन के साथ यूज की जाने वाली वर्ब उसके सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। यानी मोर देन के बाद यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मोर देन, मोर देन, ठीक है, क्या है? मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉय रिक्त स्थान, एबसेंट फ्रॉम द क्लास, एबसेंट फ्रॉम द क्लास। तो यहां पर देखेंगे कि मोर देन के बाद नाउन क्या है? बॉय, और बॉय शब्द क्या है? सिंगुलर। इसलिए हम वाज और वर्ब में से किसका यूज करेंगे? वाज। मोर देन वन बॉय वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। मोर देन वन बॉय यानी एक से अधिक लड़का कक्षा से, वन बॉय का मतलब एक लड़का कक्षा से अनुपस्थित था, ठीक है। मोर देन 100% दूसरा, मोर देन 100%, ठीक है। तो 100% प्लूरल हो गया, किल्ड इन द वार, वाच वर्ब। क्रिया वही है वाच वर्ब, यह भी वाच वर्ब है,
यहाँ पर बॉय सिंगुलर था इसलिए हमने क्या लगा दिया था वाज। यहाँ पर मोर देन 100% 100 से भी ज्यादा इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे वर। वर किल्ड इन द वार, ये आपका क्लियर हो गया। तो मोर देन के बाद आने वाला नाउन उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट 24 देखिए, नथिंग बट, अगला बिंदु क्या आता है, नथिंग बट आपने सुना होगा, इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज ही करते हैं। नथिंग बट के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है बताओ, सिंगुलर वर्ब आती है। बोलो क्या आती है, सिंगुलर। चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी है आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है तो नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल वर्ब का यूज हम सिंगुलर ही करते हैं। वर्ब का यूज हम सिंगुलर ही करते हैं। देखिए आपको ध्यान होगा, अब इसमें हमारे को स्वतंत्रता है। अगर नथिंग बट आ गया तो सब्जेक्ट कोई सा भी है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्रिया का यूज तो केवल सिंगुलर का ही हम करेंगे। इसलिए एग्जाम्पल भी आप देखेंगे, नथिंग बट देयर रिक्तस्थान फाउंड देयर कोष्टक मिले एज और आर लिखा हूं, दोनों आएगी क्वेश्चन, और सिंगुलर भी मिलेगी और प्लूरल भी मिलेगी, लेकिन लगाना हमको क्या है, सिंगुलर। तो नथिंग बट देयर इज फाउंड देयर, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब लगाना तो इज आ जाएगा। नेक्स्ट नथिंग बट वाटर रिक्त स्थान सीन देयर कोष्ठक में आओ वाच और वर्ब, कोष्ठक क्या मिले वाच वर्ब, तो बताओ क्या लगेगा, नथिंग बट वाटर क्या लगेगा वाच, क्या लगा देंगे यहां पर वाच। तो इसमें नथिंग बट वाटर वाज सीन देयर, तो नथिंग बट के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट जो बिंदु है अगला अपना, आप इनको लिख ले या स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला बिंदु चलेगा 24 से 25 वाला रूल्स, नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज। देखो क्या होता है, नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज। अब यहां पर अगला बिंदु सामने आ रहा है क्लोज, यानी क्लोजेज भी हैं, तो नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज, और क्लोज या फ्रेज, ये फ्रेज दे रखा है या आपको क्लोज दे रखा है, इसका तो उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नाउन फ्रेज नाउन क्लॉज के बाद हमेशा
सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब नाउन फ्रेज नाउन क्लोज कैसे लिखा जाता है ये मेरे को ध्यान करना है। टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग व्यक्ति स्थान, ए गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इन द मॉर्निंग ए गुड एक्सरसाइज कोष्टक में लिख दिया इज और आर। अगला वाक्य, वॉट ही स्पोक नॉट हियर्ड व्यक्ति स्थान, नॉट हियर्ड वाच और वर। तो आप देखेंगे यहां पर टू वॉक इन द मॉर्निंग व्हाट ही स्पोक, इसमें क्या है नाउन क्लोज है नाउन फ्रेज है, नाउन क्लोज और नाउन फ्रेज से वाक्य प्रारंभ होता है तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि टू वॉक का मतलब क्या होता है घूमना, इन द मॉर्निंग प्रातःकाल घूमना क्या है एक गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा क्या है व्यायाम और कसरत है। तो यहां पे क्या लगा देंगे इज, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज ए गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट, व्हाट ही स्पोक जो कुछ वह बोला, नॉट हियर्ड सुनाई नहीं दिया, तो यहां पे आ जाए वॉच। तो नाउन फ्रेज नाउन क्लोज के साथ इस प्रकार से हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है आपके, देखिए जो लास्ट है जो आपको बता देते हो कि डेयर नॉट या नीड नॉट। देखो 26, डेयर नॉट या फिर क्या आता है नीड नॉट। आपने पहली बार नहीं सुना, पहले भी शब्द आए होंगे डेयर नॉट और नीड नॉट, सिंगुलर नाउन के साथ भी प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ भी प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। डेयर नॉट या नीड नॉट सिंगुलर नाउन के साथ भी प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, अतः उनसे प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, अतः उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, अतः उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। दो शब्द है जो डेयर नॉट और नीड नॉट मॉडल के रूप में भी इनका यूज किया जाता है, तो एक तरह मॉडल है ही, तो इनके साथ हमेशा क्या है प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म के साथ भी आ जाते हैं लेकिन वर्ब हमेशा क्या आएगी प्लूरल। एग्जांपल, दे नीड नॉट, दे नीड नॉट डू दिस वर्क। अब क्वेश्चन में लिख दिया डू और डैच। ठीक है, तो नीड डेयर और नीड के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी, ये पक्का है, ये लर्न कर लेना। अगर नीड नॉट डेयर नॉट आ रहा है तो आपको प्लूरल वर्ब ही लगाना है। अब डू और डज में से हमारा प्लूरल वर्ब कौन सा है डू, इसलिए दे नीड नॉट डू दिस वर्क, उन्हें इस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। दे नीड नॉट डू दिस वर्क उन्हें यह कार्य करने की आवश्यकता नहीं। आई डेयर नॉट, दूसरा एग्जाम्पल है आई डेयर नॉट
रिक्त स्थान, मनी, मनी होता है। अब यहां पर हम ले दिया हेज और हेव, तो आई दे आर नॉट मनी, दे आर आ गया। यहां पर भी क्या लगा रहे, प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब हमारी क्या है, हेव, तो यहां पर हमने लगा देंगे हेव। तो आई दे आर नॉट हैव मनी, ये इस प्रकार से आपका दे आर नॉट और नीड नॉट से संबंधित यूज हुआ है। एक लास्ट और है जो मैं आपको और बता देता हूं, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कक्षा 9 के लिए, फिर भी क्योंकि कंपटीशन का मामला होता है तो कंपटीशन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए लास्ट बिंदु और है, इसके बाद अपना ये बिंदु कंप्लीट हो जाएगा। कुछ वाक्यों में लिखिए, कुछ वाक्यों में, कुछ वाक्यों में कोरी कल्पना, कोरी कल्पना, इच्छा अथवा किसी शर्त का बोध होता है, कल्पना, इच्छा अथवा शर्त का बोध होता है, बोध होता है। कुछ वाक्यों में कोई कल्पना, इच्छा अथवा शर्त का बोध होता है, इस प्रकार के सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, तो इस प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए जो इमेजिनरी कंडीशन थी उसमें हमने आई के साथ वाज का यूज न करके वर का यूज किया था। ध्यान करो, अनलाइकली इमेजिनरी कंडीशन जब मैंने आपको बताई थी उस समय आई के साथ मैंने वाज ने लगाकर क्या लगाया था, वर। क्यों लगाया था, क्योंकि सब्जेक्ट एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि रूल्स तो ये कहते हैं कि जिन वाक्यों में इमेजिनेशन, तीन शब्द निकल जाते हैं, एक तो इमेजिनेशन, एक होता डिजायर, एक होता कंडीशन, कंडीशन भी आ गई, तो कंडीशन वाले वाक्य में भी आई के साथ क्या आता है, वर आता है। तो इमेजिनेशन, डिजायर और कंडीशन, ऐसे भाव उसके अंदर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल आप बता देते हैं, क्यों अक्सर परीक्षा में ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाता है, आई विश कॉमा, आई विश आई रिक्त स्थान ए प्रिंसिपल, आई विश आई ए प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे, वाज और वर। तो क्या इच्छा प्रकट की जा रही है कि मैं एक प्रिंसिपल होता, तो यहां पर क्या लगा देंगे, वाज। अगर ये सेंटेंस इफ से प्रारंभ होता है तब भी वही होता है, इफ आई रिक्त स्थान, इफ आई द चेयरमैन, द चेयरमैन, इफ आई द चेयरमैन कोमा, आई वुड सर्व द सिटी, आई वुड सर्व द सिटी, वही वाज वर है, तो कल्पना पास्ट में की जाती है भविष्य के लिए, यदि मैं ऐसा होता तो वो करता, तब भी यहां पर क्या जाएगा, आई सर्व वर। नेक्स्ट, इफ
आई वर, इफ आई वर ए वर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई वर ए वर्ड, यदि मैं पक्षी होता आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, पक्षी होता तो क्या करता, मैं आकाश में उड़ता। तो वही यहां पर वाज और वर, मैं इस वर का यूज किया। तो जिन वाक्यों में इमेजिनेशन डिजायर या कंडीशन दी हुई हो वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इस प्रकार से मेरा ये आज का पार्ट 7 कंप्लीट होता है, और इस पार्ट 7 के साथ ही मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बिंदु भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आए हो तो लाइक करना और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में शेयर करना, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।